बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं मलिक वकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल मलिक वकास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो दोस्तों, इंशाल्लाह आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट लेके आया हूँ, जो कि है CM2 की तरफ से। जो CM2 का MT2 मॉड्यूल है, उसके बारे में इंशाल्लाह आज बात करेंगे। और उसके अंदर जो अक्सर एरर आता रहता है कि हम उसको ओपन कर देते हैं तो वो नीचे पीछे में प्रोसेस में वो चलता रहता है, लेकिन सामने उसकी स्क्रीन पर शो नहीं होता। तो वो सारे प्रोसेस उन्होंने यहाँ पर जो भी एरर्स थे वो उसमें फ़िक्स किए हैं और काफ़ी अच्छी अपडेट उन्होंने दी है। तो वीडियो को आगे फर्दर स्टार्ट करने से पहले, जिन दोस्तों ने चैनल टेक्निकल मल्टीकास्ट सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल टेक्निकल मल्टी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर। आज हमें मिला है इसकी तकरीबन कल अपडेट आई थी, तो कल मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने सोचा चलो आज दोस्तों को बता दिया जाए। इन्फिनिटी चाइनीज़ मेरिकल 2 यानी कि MTK MediaTek वर्जन 2.17, इसकी लेटेस्ट अपडेट है। CM2 MT2 2.17 इसकी है, स्टैंडअलोन ऑथ ऑन, ठीक है। ये इन्होंने जो है वो लेटेस्ट इसका अपडेट दी है। लिंक इसको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो इन्होंने बताया है कि आपने किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। तो इसके अंदर क्या है कि फ्लैशर के अंदर ये चेंज प्रोटोकॉल अपडेट, ठीक है। लेगेसी रफेल जो इसका प्रोटोकॉल था वो इन्होंने अपडेट किया है, ठीक है। न्यू फीचर स्टैंडअलोन SLA Auth रफेल, ठीक है, ये इन्होंने नया इसका फीचर वो ऐड किया है। इंटरनल EMI इंजन अपडेटेड, यानी कि UFS सपोर्ट रीबिल्ड, यानी कि जो UFS CPU है उनकी जो सपोर्ट है वो इन्होंने दोबारा किया। और इनका जो इंटरनल EMI इंजन है वो अपडेट हुआ है। EMI इंजन कौन सा था कि हम जब सेटअप को ऑन कर देते थे, सेटअप जो था वो ऑन हो जाता था और बैकग्राउंड के अंदर उसका प्रोसेस जो है वो चलता रहता था। नीचे भी हमें शो होता था टास्क बार के अंदर कि वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, लेकिन हम उस पर क्लिक करते थे ऊपर शो नहीं होता था और ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता था। तो वो जो एरर है वो इन्होंने इसके अंदर बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर जो इन्होंने ज़्यादातर अपडेट ज़्यादा दी है वो इन्होंने हार्ड UFS जो CPUs हैं, ठीक है, FlashIC बेस इन्फो, यानी कि FlashIC जो इसको होता है CID इन्फो होती है, CID इसकी होती है। जैसे हम इसकी UFI बॉक्स के अंदर हम CID इसकी चेक करते हैं कि उसकी FlashIC की बेस इन्फो, उसकी मुकम्मल नेम, वेंडर, हर चीज़ आ जाती है CID, तो वो भी इन्होंने इसके अंदर जो है वो ऐड की है। यहाँ से भी हम उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसकी पार्टीशन डिटेल वगैरह भी हम इसके अंदर चेक कर सकेंगे। और फर्मवेयर जो रीडर है इसके अंदर क्या किया, इन्होंने चेंज सम मॉडर्न ब्रांड स्पेसिफिकेशन, शाओमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी, यानी कि ये जो थे ब्रांड ओप्पो वीवो के, ये सारे इन्होंने इसके अंदर जो है वो रीड करने के लिए, इनकी फाइलें रीड करने के लिए इसके अंदर जो है उन्होंने ऐड की हैं। और न्यू टाइप सपोर्टेड और जो लेटेस्ट न्यू टाइप के जो आए हैं उसकी इन्होंने सपोर्ट इसके अंदर दी है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि स्टैंडअलोन SLA Auth अलाउ टू इग्नोर डिवाइस सिक्योरिटी सेटिंग्स एंड अलाउ बूट इनटू विदाउट हैविंग एनी DA Auth रिमोट सपोर्ट, यानी कि ये जो इन्होंने स्टैंडअलोन Auth इसके अंदर अलाउ की है, इससे क्या होगा कि कोई आपको DA Auth वगैरह देने की ज़रूरत नहीं। ऑथेंटिकेशन को टूल होता है कोई इसको फ्लैश करने के लिए या रीड करने के लिए ऑथेंटिकेशन मांगते हैं, उसको बिल्कुल आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वन क्लिक पे आपका जो भी वर्क है वो सारा कर दिया करेगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इसके अंदर दिया है कि सपोर्ट MTK 6765 MT6765, इसकी जो ये जो चिप है ये ज़्यादातर आजकल यूज़ हो रही है ओप्पो के अंदर, वीवो के अंदर, इन्फिनिक्स के अंदर, टेक्नो के अंदर, जो लेटेस्ट नए मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अंदर ये जो है ये इन्होंने ऐड हो रही है। तो इन्होंने इसकी यहाँ पे सपोर्ट दे दी है। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा कि आज सिक्योरिटी वर्जन, नो आर्ट नीड, नो स्पेशल DA नीड, नो रिमोट सर्विस नीड, स्पोर्ट शाओमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी, हवावे, वेदर बंद एल्स एग्जिस्टिंग। तो इन्होंने कहा है कि MTK 6765 के अंदर जो भी मोबाइल फ़ोन है आपका, तो उसके अंदर सिक्योरिटी वर्जन उसके आल जो है वो यहाँ पे आप रिपेयर कर सकेंगे। कोई ऑथेंटिकेशन टूल की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ओप्पो वीवो को हम फ्लैश करते हैं, पेड वर्जन हम उसकी यानी कि ऑथेंटिकेशन टूल, उसका आर्ट टूल डाउनलोड करना पड़ता है, वहाँ पे उस किसी इस बंदे से ओप्पो की सर्विस लेनी पड़ती है, तो उसका बिल्कुल भी हमें नहीं है,
कुछ की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा 6785 स्पोर्ट्स 6785 MT6785 ये भी लेटेस्ट है सेम टू सेम। इसका भी इन्होंने यानी कि ये दो मॉडल है इसके इन्होंने अपडेट इसके अंदर बढ़ाई है। तो ये नोट के अंदर क्या बता रहे हैं कि स्पेशल बूट हेल्पर टूल शुड बी इंस्टॉल्ड इंक्लूडिंग CM2 MT2 पैकेज, यानी कि ये जो पैकेज आप यहाँ डाउनलोड करेंगे इसके अंदर आपको एक अलग से एक टूल भी मिलेगा स्पेशल बूट हेल्पर टूल, जो कि हम आपके मोबाइल फ़ोन पर जो बूट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया करेगा। तो इसके इंस्टॉलेशन का ये इन्होंने तरीका बताया है कि इसके अंदर कि आपने इसको क्या करना है, आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इसका इस तरह से होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इसके आगे जो है वो नेक्स्ट टूल इस तरह से आएगा। इसके बाद इसका दूसरा स्टेप इंस्टॉलेशन का आएगा, वो आपने क्या करना है कि उसको आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है, यहाँ पे आई एग्री करके नेक्स्ट कर देना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है लोकेशन उसकी देख के। और इसके बाद जब कंप्लीट हो जाए तो आपने इसको लॉन्च नहीं करना, लॉन्च फिल्टर इंस्टॉलेशन वाइजर्ट वो आपने लॉन्च नहीं करना, उसको ऑफ रहने देना और फिर इसको फिनिश कर देना है। इसका जो पासवर्ड होगा वो आपको पता है कि इन्फिनिटी टीम से आप जो भी कोई फाइल डाउनलोड करें तो उसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिंक दिए हुए हैं, मैंने नीचे भी लिंक दिया, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकेंगे। और 1 2 3 4 5 6 7 8 उसका पासवर्ड होगा, वो देखिए उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और CM2 MT2 जो लेटेस्ट वर्जन है उससे फ़ायदा उठाइएगा। तो ये देखें आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए CM2 MT2 वर्जन 2.17 इसकी जिप फाइल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तकरीबन 300 MB की वो फाइल है, वो आपको डाउनलोड करना होगी। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।